हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की। साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से राजस्थान में कब तक बारिश की गतियाँ शुरू होने वाली हैं और किन किन जिलों में भारी बारिश की गतियाँ होने वाली हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो में सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मानसूनी सिस्टमों की। बात करें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो पश्चिमी गुजरात के आसपास बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों तक सक्रिय रहने की संभावना है। मानसून की अक्षीय रेखा की बात करें तो ये वर्तमान में श्रीगंगानगर, हिसार, नई दिल्ली, आगरा, झांसी, जबलपुर से रायपुर और विशाखापट्टनम व भुवनेश्वर के मध्य स्थित लो प्रेशर एरिया तक बनी है। वर्तमान में ये ट्रफ की स्थिति है। लो प्रेशर एरिया की बात करें तो ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की बॉर्डर के पास तटीय भागों पर स्थित हैं, जो भुवनेश्वर व विशाखापट्टनम के बिल्कुल मध्य स्थित हैं। ये अब पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। लगभग आने वाले 24 से 48 घंटों तक इसका ट्रैक लगभग पश्चिमी दिशा तक रहने की संभावना है। उसके बाद यह कुछ उत्तर की ओर रिकवर करने की संभावना है, जिसमें हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि जो LL हरे कलर में बताए गए हैं, ये स्लो प्रेशर एरिया का ट्रैक है। प्रत्येक 24 घंटों के बाद ये ट्रैक आपको L के बारे में बताया गया है। 24 घंटों तक ये तटीय भागों के अंदर प्रवेश कर जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए ये गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना है। उसके बाद इसके दो ट्रैक संभावित हैं। एक ट्रैक कुछ समय उत्तर दिशा की ओर बढ़ने के बाद ये पश्चिमी की ओर रिकवर करने की संभावना है और दूसरा ट्रैक ये है कि ये उत्तर की ओर जाने की संभावना है। वर्तमान में लो प्रेशर एरिया के ट्रैक है। आज के मॉडल के अनुसार देखा जाए तो सुबह मौसमी आकलन के हिसाब से ये ट्रैक संभावित हैं। आइए आगे बात करते हैं IMD के मॉडल के अनुसार देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसी बारिश की संभावना है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाकों में आज बारिश की धुनिया आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें जालौर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में इन क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आज कहीं कहीं हल्की से तेज बारिश की धुनिया आपको देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर संभाग के आसपास कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ये IMD का मॉडल लगने के अनुसार देखा जाए तो आप आज राजस्थान में बारिश की गतियाँ देख सकते हैं। संपूर्ण भारत में देखा जाए तो संपूर्ण मध्य भारत में आप देख सकते हैं काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में आज कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ वर्तमान में इस क्षेत्र में सक्रिय है। इस कारण से दक्षिणी पश्चिमी घाट पर काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश की गतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। आइए आगे बात करते हैं। आज सुबह 7 बजे के अनुसार देखा जाए सैटेलाइट इमेज के माध्यम से आपको बताएं कि संपूर्ण भारत में क्या बादलों के हालात हैं। बादलों के हालात की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी घने बादलों के साथ आप सुबह से ही बारिश की गतियाँ देख सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं। मध्य भारत में देखा जाए तो इस लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से आप देख सकते हैं संपूर्ण इलाकों में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और इन क्षेत्र में भारी बारिश की गतियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र गुजरात के आसपास बना हुआ है, उन क्षेत्र से आप प्रभाव से आप देख सकते हैं कुछ गुजरात व राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी सुबह से ही बादल बने हुए हैं और इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए। ट्रफ की बात करें तो ट्रफ वर्तमान में राजस्थान के उत्तरी भागों से गुजर रही है और दक्षिण में अरब सागर से आने वाली नम हवाएं और पश्चिम से आने वाली पूर्व से आने वाली बंगाल की खाड़ी की नम हवाएं के कारण इन क्षेत्रों में भी आज कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बादल बनने की संभावना है। ये बादल लगभग दोपहर के बाद बनने की संभावना है। बाकी मध्य भारत में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया वर्तमान में आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के आसपास स्थित होने के कारण अरब सागर से आने वाली नम हवाएं भी इन क्षेत्रों से होकर गुजरने के कारण इन क्षेत्रों में बारिश की गतियाँ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए आगे बात करते हैं। राजस्थान में आने वाले
8, 9, 10 और 11 सितंबर की बात करें तो किन किन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। भारी बारिश की गतिविधियों की बात करें तो जोधपुर संभाग के जालौर, पाली, बाड़मेर के कुछ पूर्वी भाग, सिरोही, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में 8, 9, 10 और 11 सितंबर तक कहीं कहीं इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ और कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, जिससे पिछली बार जो एक महीने पहले जिस तरह के हालात बने थे कोटा, बूंदी और बारा में, उसी तरह के हालात अब की बार उदयपुर या कोटा संभाग में आपको देखने को मिल सकते हैं 8, 9, 10 और 11, 12 तक। ये बारिश की गतिविधियाँ जो लो प्रेशर एरिया हैं वो कोटा संभाग के आसपास लगभग 24 से 48 घंटों तक ठहरने की संभावना है। जब ये यहाँ कुछ रुक कर आगे बढ़ेगा तब इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ भारी से अति भारी बारिश की होने की संभावना है। आइए आगे बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम। आने वाले 24 घंटों के अंदर बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी राजस्थान में आज मानसून की कुछ सुस्ती आपको देखने को मिलेगी। आज दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश बढ़ने के आसार हैं, जिसमें कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में आज बारिश बढ़ने की संभावना है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जालौर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, दौसा, टोंक, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आज आपको बारिश की गतिविधियाँ को बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं, जिसमें जालौर, पाली, अजमेर, जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व सिरोही शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियाँ आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ की शुरुआत भी आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी बात करें बाड़मेर के कुछ पूर्वी भाग जोधपुर, नागौर, अजमेर, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर के क्षेत्र में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आज कहीं कहीं हल्की खंड बारिश के साथ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, परंतु इन क्षेत्रों में आज 50% इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आज कहीं की खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, परंतु मुख्यतः मौसम इन क्षेत्रों में भी शुष्क रहने की संभावना है। 10% इलाकों में हो सकता है आपको खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, परंतु 90% इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम बिल्कुल गर्मी के साथ उमस भरा रहने की संभावना है। जैसलमेर के कुछ भागों में हो सकता है आज शाम तक कहीं कहीं पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, परंतु बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों में आज मौसम उमस भरा रहने की संभावना है। हो सकता है दोपहर के बाद कुछ इलाकों में कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बारिश के भी झोंके आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर शामिल हैं। बाकी जिलों की बात करें तो आने वाले 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ोतरी होने की संभावना है। 8, 9, 10 और 11 सितंबर की बात करें तो राजस्थान के लगभग संपूर्ण इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है। लगभग पश्चिम, उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी संपूर्ण राजस्थान में देखा जाए 8, 9, 10 और 11 तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी के लिए बस अब इतना ही। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी।